Peak Surat, the world's biggest diamond hub, is it losing its glitter? Surat during the Mughal era was India's most important port. Today it has one of India's highest GDPs and is a huge contributor to the country's export revenues, a growth fueled by its diamond trade. More than 90% of the world's rough diamonds are cut and polished in Surat, and the city very much is a symbol of the vibrant Gujarat ethos. Except in less than a fortnight, 11 diamond workers have committed suicide and more than 30,000 children have almost had to drop out of school. Loss of jobs, vicious deaths and worker suicides in Diamond City. बेकार बन गए, घर चार महीने से बेकार है, बराबर परिवार का गुजारा चल रहा है, भाड़ा देना है, घर में राशन भरना है, कुछ नहीं है, तो आदमी बेकारी से क्या करेंगे। मेरे में तो हिम्मत है भाई, चलो ये खराबी हुआ, पूरे दिन दुख सह लूंगा, बराबर है, पर जो मानसिक डिप्रेशन में आ जाते लोग वो क्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे नहीं। Narrative is still the same. This time, they are workers of diamond units. We are at Kishore Rathore's house, one of the 11 workers who have committed suicide in the last 15 days. How much? ईएसआई सब मिलती होती और सरकार का मालूम है कि गुजरात के अंदर कम से कम सूरत, अहमदाबाद और भावनगर मिलके कम से कम 70 लाख लोग वर्कर्स डायमंड के थे। फिर भी सरकार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो इंडस्ट्री डिस्टर्ब एक्ट दाखिल कर दिया होता तो उन लोगों की उपस्थिति आज की तरह आज को उसको पीएफ मिलता, ग्रेजुटी मिलता और राज्य कामदार बीमा योजना अंतर्गत उसको दूसरी वो भी मिलती, सेवा भी मिली, लेकिन सरकार ने उसके बारे में कुछ देखा नहीं है। स्कूल में टीचर लोग क्या बोलते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम होता है कभी कभी? फीका होता है, दो दिन में भर जाओ। घर में उसके लिए कहीं आना जाना, त्योहार सिर पे था, नाताल, हैप्पी न्यू ईयर, हर तरह से मुश्किलें सामने करना पड़ा। फिर भी हम रात को वो तो रिक्शा चलाते थे, घर चलाते। बच्चों का पढ़ाने में कितना मुश्किल हो रहा है? फी बाकी है, टीचर शिक्षक बोलते भाई फी भर जाओ, बाद में परीक्षा देंगे, फिर भी परीक्षा तो उन्होंने दी ही है। इन अनदर क्यू वी फाइंड 13-year-old मिलन अभया। मेरी स्कूल में 2 महीने की फी बाकी है, अभी मैं स्कूल में पढ़ने जाता हूँ, पर हमारे स्कूल के सर वैसे बोलता है कि तुम फी नहीं भरोगे तो मैं तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। तीन महीने से हीरे का कारखाना बंद है, कोई इनकम है नहीं, तो फिर यहाँ खाने के फाफे है, तो फिर स्कूल की फी कहाँ से भरे? सरकार ने कोई पॉलिसी निकाली आप लोगों ने? कुछ नहीं भाई, वो पहले यहाँ से कलेक्टर ऑफिस में से आवेदन आया कि भाई तुम ये भरो फॉर्म तो तुमको 5,000-10,000 की सहाय मिलेंगी, 3,000 जैसे फॉर्म भी के हमने फॉर्म भर के दे दिए, फिर अभी भी कुछ है उसका इलाज नहीं है। वो तो बोले
वो कुटीर उद्योग का दिया, उसी को बोले चप्पल की दुकान करो या कुछ करो, इसके लिए फॉर्म दिए थे तो 25,000 फॉर्म भर के हमने दिए, पर इसमें से भी कुछ हुआ नहीं है। वहाँ जाते हैं तो बोले तुम्हारे फॉर्म आ गए, हम देखेंगे सर्वे करेंगे इसके बाद में कुछ देंगे। यानी अभी गुजरान चलाने के लिए कुछ नहीं है, और हमारे में कम से कम 70-80 लोगों ने आत्महत्या की है, रोज हीरे वाले एक आत्महत्या करते हैं, तो ये सरकार की जवाबदारी नहीं है क्या? और इसमें ऐसा हुआ है कि जो किट बेची है 5 किलो गेहूँ, 10 किलो चोखा और 4-5 किलो तुअर दाल, एक साड़ी, वो हमको नहीं मिली है। P4P चलता है। और इतने सारे कारखाने, 2 लाख कारीगर है अहमदाबाद में, पर किसी का सर्वे माना जाता है सिर्फ 2 कारखाने में रेगुलर है, बाकी कोई कारखाने में हमारे पास कोई कार्ड नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। प्रवीण कपड़िया साहब ने आपके जो मुठ्ठी भर अनाज देने की जो पेपर में जाहिरात की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो भी हमको कुछ नहीं मिला सर, हमारे नाम से बातले धोए जा रहा है अभी। Thank you.